आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। तीन बच्चों के सर से उठा माँ, पिता एवं दादी का साया। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र के खरकी पंचायत अंतर्गत ग्राम ऊपर कोचा में तीन भाइयों के जीवन में दुख, दर्द एवं आफतों का पहाड़ टूटकर गिर पड़ा है। तीन भाइयों का जीवन में खुशहाली और उन्नति दिलाने वाले जो इन बेसहारों को बचपन में उंगली पकड़कर चलाया करते थे, इन दुखियारे मासूमों के पिता बिफई नगेसिया का देहांत लगभग 8 साल पूर्व में एवं माँ बसंती नगेसिया, जो कभी अपने बच्चों को अपनी कोमल हाथों से खाना खिलाया करती थी, अच्छी शिक्षा दीक्षा व बेहतर परवरिश की चिंता किया करती थी, वो माँ भी अपने लालों को विगत 7 माह पहले छोड़कर दुनिया से चली गई, जिससे इन तीनों भाइयों के समक्ष बड़े जीवन की गाड़ी को चलाने में कई तरह की चुनौती लाकर खड़ा कर दिया था। इन तीनों भाइयों के सर से पिता और माँ का सहारा तो पहले ही कुदरत ने छीन लिया था, लेकिन अभी भी इन भाइयों को जीने की शक्ति देने वाली एकमात्र सहारा रही 80 वर्षीय दादी माँ इतवरिया नगेसिया थी, जिनका स्वर्गवास बीते मंगलवार 22 दिसंबर को अहले सुबह करीब 5 बजे ठंड के वजह से हो गया, जिससे इन मजलूम बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इधर माँ, पिता व दादी माँ का असामयिक मौत से जहाँ इन भाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वहीं इन बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो गया है। जी, मेरा पापा का देहांत 8 साल पहले हुआ है। मेरा माँ का देहांत 6 माह पहले हुआ है। और जो मेरा तीनों भाई का सहारा था, मेरा दादी, और उसका काल देहांत हो गया। कैसे देहांत हो गया? ठंड की वजह से हो गया। कंबल उम्बल नहीं मिला था? नहीं, कंबल ब्लॉक व्लॉक या मुखिया उखिया लोग की तरफ से कंबल नहीं दिया गया था? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? चिंता से बहुत है, कहे कि उसका जो माँ मर गई और उसका पिताजी मर गए और दादी भी मर गए, जो सहारा कार थे। दादी का मौत कब हुआ है? कल परसों। कैसे मौत हुआ दादी का? ठंड के कारण से मौत हो गया। कैसे इनका जीवन यापन चलेगा बाबा, क्या है इनका? तो हम कोई सहारा करेगा तब ही चल सकता है। किन से सहारा की अपेक्षा है आप लोगों को? कौन सहारा होगा इनका? जी, ये दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे लड़के हैं। अभी ये रंजीत नगेसिया 9 का छात्र है और ये रवि नगेसिया कोचा में ही वर्ग 6 में पढ़ता है। पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनके घरेलू हालत को देखते हुए, इनकी समस्याओं को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि इनकी पढ़ाई में बाधा पहुंच सकती है, क्योंकि इनके पिताजी 8 साल पहले गुजर गए, माँ का भी निधन हो गया 6 महीने पहले, और कल सुबह हम जब स्कूल आए, विद्यालय आए, तो पता चला कि इनके साथ में रहने वाली दादी माँ इतवरिया नगेसिया, उनका भी ठंड के कारण सुबह मौत हो गई। तो मुझे तो बहुत झटका लगा कि इन बच्चों का अब क्या होगा, ये पढ़ेंगे या फिर छोटे भाई का ये ख्याल रखेंगे या फिर कमाने जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो SMC का अध्यक्ष और ग्रामीण से भी मिलकर के भी इस पर में चर्चा की जा रही है कि इनकी पढ़ाई में किस तरह की रुकावट ना हो, बाधा ना हो, तो हम लोग जितना हो सके। सर देखिए, इस बच्चों को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई इसका सहारा ले प्रखंड तरफ से या जिला तरफ से, या हम कहेंगे कि DC से भी कुछ इसका व्यवस्था किया जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल इन बच्चों का भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है, ऐसे में गांव वालों की ओर से क्या पहल किया जा रहा है? गांव वालों की ओर से यही पहल किया जा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं पढ़ाने का प्रबंध हो, और सभी गाँव वालों का यही कहना है। खाने पीने की यहाँ पे लालच नज़र आ रही है इन लोगों के बीच में, ऐसी स्थिति में इनका खान पान को लेकर कहाँ से व्यवस्था की जा रही है, कैसे इनको सहारा दिया जा रहा है? सर देखिए, इसको तो हम लोग चाहते हैं कि कोई आवासीय विद्यालय में